नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। कुवैत के भी बिग बड़े बड़े अपडेट रोज निकल के आ रहे हैं। आज की हम बात करेंगे भाई, सरकार ने 31 कंट्रीज पे जो बैन लगाया है उनको सरकार ने एक तरह से बोला कि अनुचित है, लेकिन कुछ हद तक उनमें निकाले जा सकते हैं कुछ लोगों को, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स या फिर नर्सें, न्यायाधीश वगैरह, जो इनसे रिलेटेड लोगों को वीज़ा अभी भी दिए जा सकते हैं, यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। और वीज़ा से रिलेटेड भी बड़ी अपडेट भैया सरकार ने दी है, तो आप लोगों के साथ मैं पूरी बातें शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 5 अगस्त को साथियों सरकार ने नया अपडेट जारी करते हुए बोला है कि भाई जो 31 कंट्रीज पे जो एक्सपेक्ट पे जो कंट्रोल बनाया गया है, जिनको इजाज़त नहीं दी गई है फ्लाइट से रिलेटेड, उनको ये बताया गया है कि हर 10 डेज आफ्टर यानी 10 दिन के बाद इनकी समीक्षा की जाए। समीक्षा का मतलब होता है जैसे 31 कंट्री हैं, 10 दिन के बाद देखा जाए भाई कौन सी कंट्री में कोविड-19 कोरोना कम हुआ है, कौन सी में ज़्यादा हुआ है। अगर उनमें कम हुआ है, कुछ सुधार हुआ, तो उन लोगों को, उन कंट्रीज़ को फ्लाइट की अनुमति दी जा सकती है। जी हाँ, ऐसा कुवैत सरकार ने बताया है। कुवैत सरकार ने साथ में ये भी बताया कि जब कुवैत के लोगों को जब यूरोपीय कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया था फ्लाइट से रिलेटेड, तो हमने भी कोई विरोध नहीं किया, हमने समझदारी से काम लिया, क्योंकि ये सबकी पूरी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। तो कोई भी देश किसी देश के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगा सकता है महामारी में, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये कुवैत मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया, सफाई दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने ये निर्णय संप्रभुता के आधार पे पूरे, मतलब जो भी उनका सिस्टम है, कोई सरकार है, पूरी सरकार ने मिलके ये फैसला लिया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट मैं बता दूं, कुवैत सरकार ने बड़ी अपडेट ये दी है साथियों कि 13 मार्च 2020 से पहले जितने भी वीजा आए थे, चाहे आपका विजिट वीज़ा हो, चाहे आपका परमिट वीज़ा हो, चाहे घरेलू नौकर का वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, रेजिडेंशियल वर्कर, कोई भी वीज़ा, किसी भी प्रकार का वीज़ा, सब के सब वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, 13 मार्च 2020 तक जितने वीज़ा निकले सब कैंसिल सरकार ने कर दिए हैं। उनके पीछे इनका तर्क ये था कि इनको बहुत लंबा टाइम हो गया, 5 महीने का टाइम हो गया, जी हाँ, तो ये वीज़ा अब नहीं चल सकते, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इन वीज़ा को खारिज किया जाता है, कैंसिल करके उन्होंने ये घोषणा की है कि भी नए वीज़ा जारी किए जाएंगे, जिनका नियम और रेगुलेशन हम बताएंगे, उसके बाद वीज़ा अप्लाई दोबारा से करना होगा। हालांकि पैसों के बारे में, फीस के बारे में ये बात नहीं बताई कि वो पैसा रिफंड होगा या फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। ये सरकार ने घोषणा कर दी थी, आपको पता है कि भाई जो वीज़ा मार्च में निकले थे वो सब वीज़ा कैंसिल हो चुके हैं और उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई अपडेट निकल के नहीं है, लेकिन बड़ी अपडेट यही है 13 मार्च तक किसी भी प्रकार का वीजा, आप कमेंट मत करना कौन सा वीजा, सभी वीजा कैंसिल कर दिए गए। 13 मार्च तक के जो वीजा, 13 मार्च के बाद में तो निकले नहीं, 13 मार्च तक निकले उनको कैंसिल कर दिया गया, तो फिर बचा क्या घंटा, कुछ नहीं बचा। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बैड न्यूज में मान सकता हूं। साथियों समझ चुके हैं भैया, कुवैत की बैड न्यूज थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अच्छी न्यूज होगी, गुड न्यूज होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक चैनल वाले फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।